अखाड़ा में आज सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां की जनता लगातार बढ़ रही बिजली की दरों से परेशान है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में गरीब परिवारों का हजारों का बिजली का बिल आ रहा है, जिसकी वजह से वहां एक गरीब आदमी 10,000 का बिजली का बिल देकर बेहोश हो गया। 10,000 का उसका बिजली का बिल देखकर बेहोश। परिवार का दावा है कि घर में सिर्फ एक बल्ब है, फिर भी बिजली का बिल 10,000 रुपए आया है। ये वो तस्वीर है उस शख्स की जिसके ऊपर बिजली का बिल पड़ा है और जिसे देखकर वो बेहोश हो गया, अधमरासा हो गया। इतना बड़ा झटका उसको लगा कि घर में बल्ब एक, बिल 10,000 का, ये कैसे हो सकता है। और फिर उसे पानी देकर उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे उसे ऊपर उठाने की, वापस जगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में हालात इस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं कि दिन ब दिन ये तस्वीरें निकल के आ रही हैं। कल ही हमने आपको यहाँ अखाड़ा में एक ऐसी तस्वीर दिखाई जहाँ व्यक्ति रेलवे की पटरी पर खड़ा हुआ था, कहा कि अब मैं क्या करूँ, पिछली बार 5,000 का बिल, अब की बार 12,000 का बिल, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, लाऊँ तो क्या लाऊँ, दिन के 500 रुपये कमाने वाला व्यक्ति कैसे भरेगा इतना बड़ा बिल, और घर मेरा इतना छोटा सा, घर में एक बल्ब और 10,000 का बिल। वही पाकिस्तान की जनता महंगाई से त्रस्त है। महंगी हो रही बिजली लगातार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। पाकिस्तान के लोग बिजली का बिल का भुगतान 56 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं। यही मार्च में 38 रुपये प्रति यूनिट था, अब 56 रुपये प्रति यूनिट हो चुका है। यानी साफ है कि महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता अब चौतरफा मुसीबतों से घिरी हुई है। कंगाल पाकिस्तान में महंगे बिजली बिल से जनता परेशान। एक बल्ब और पंखा चलाने का बिल 10,000 रुपए, जीरो यूनिट का भी बिल आया 7,000 रुपए का। कंगाल और बेहाल पाकिस्तान में जनता को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। रोटी और जरूरत की दूसरी चीजों के लिए मारी मारी फिर रही पाकिस्तान की जनता के लिए इस वक्त महंगी बिजली सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। बढ़ती महंगाई और लगातार महंगे हो रहे बिजली बिल ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। पाकिस्तान में महंगे बिजली बिल की हालत ये है कि एक बल्ब और एक पंखा चलाने का बिल 10,000 रुपए का आया और ये बिजली बिल देखते ही आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। बताया गया कि इस आदमी के घर में सिर्फ एक बल्ब लगा है और इसी का बिल 10,000 रुपए आ गया और बिजली बिल देखते ही ये बुजुर्ग बेहोश होकर गिर पड़ा। पाकिस्तान में यही हालत घर घर में देखने को मिल रही है। अब ये बिल देखिए, ये बिल एक बंद पड़ी दुकान का है, यानी एक भी यूनिट इस्तेमाल नहीं की गई, फिर भी बिजली का बिल 7,000 रुपए का आया है। महंगाई और भुखमरी से पाकिस्तान का बुरा हाल है। आटा महंगा है, बिजली महंगी होती जा रही है, पेट्रोल महंगा है और जरूरत के हर सामान के दाम सातवें आसमान को छू रहे हैं। लेकिन सरकार को कुछ उपाय नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान सरकार सिर्फ और सिर्फ बैठके कर रही है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं। पाकिस्तान में कंगाली और भुखमरी का ये आलम है कि लूटपाट की वारदात सरेआम हो रही है। रावलपिंडी में सड़क पर एक महिला के साथ दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश यहां राह चलती महिला से बैग और गहने छीनकर फरार हो गए। बढ़ती महंगाई से पाकिस्तान में जनता परेशान है। पहले आटा नहीं मिलने की वजह से लोग परेशान थे, मारे मारे फिर रहे थे, अब रही सही कसर लगातार महंगी हो रही बिजली ने पूरी कर दी है।